नमस्ते किसान भाइयों, वीएस एग्रो फार्म के इस यूट्यूब चैनल में मैं विनोद कुमार आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे धान के बाली के ऊपर आने वाले बीमारियों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, खेतीबाड़ी से रिलेटेड नई नई जानकारी के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। किसान भाइयों, अभी 120 से 25 दिन की जो हल्की वैरायटी है उसकी धान की बाली निकलना चालू हो गई है और उस बाली पे दोस्तों हमें एक बीमारी का प्रादुर्भाव दिखाई दे रहा है। देखिए किसान भाइयों, धान की जो बाली है जिसको लोम्बी कहते हैं, वो पूरी तरीके से लाल और काला कलर का पड़ गया है और उसमें जो दाने हैं वो भी भर नहीं पा रहे हैं। देखिए, इस टाइप का लाल कलर का छिट्टा जो है या कलर जो है आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है और कोई भी दाना इसमें भरा नहीं है दोस्तों। और इस तरीके से आपको धान की जो बाली है वो आपको दिखाई देगी, जिसमें 80 से 90 प्रतिशत तक दाने आपके पूरे भरे नहीं होंगे। इस बीमारी को दोस्तों पेनिकल बैक्टीरियल ब्लाइट करके कहा जाता है। ये जो बीमारी है दोस्तों, ये दो प्रकार के फंगस के कारण आती है, जिनका नाम है बर्खोल्डेरिया ग्लूमाई और बर्खोल्डेरिया ग्लैडियोली। इन दो फंगस के कारण जो दोस्तों ये पेनिकल बैक्टीरियल ब्लाइट जो है हमारे धान में आता है और हमारे धान का 80 से 90 प्रतिशत तक नुकसान जो है वो इस बीमारी के कारण होता है। अब ये बीमारी आने के बहुत से कारण हैं, जिसमें अगर किसी किसान भाई के खेत में अगर पिछले साल ये बीमारी आई होगी तो संभावना है कि इस साल भी आए। उसके बाद में अगर ठंडा गर्म मौसम रहता है उसके कारण भी ये बीमारी आ सकती है। किसी किसान भाई के खेत में अगर ज़्यादा पानी भरा रहता है तो भी ये बीमारी आ सकती है। किसी ने यूरिया का इस्तेमाल ज़्यादा किया तब भी ये बीमारी आ सकती है। तो बहुत से कारण है दोस्तों इस बीमारी आने के। और इसके साथ ही एक प्रॉब्लम और रहता है दोस्तों धान के बाली में, जिसको पेनिकल माइट्स का अटैक बोलते हैं। इसमें माइट्स यानी मकड़ी होती है, बारीक एकदम जो अति सूक्ष्म मकड़ी रहती है वो भी हमारे धान को इस तरीके से डैमेज करती है। आपको उसके सिम्टम इस तरीके से वीडियो में जैसे दिखाया गया है उस तरीके से आपको दिखेंगे। किसान भाइयों, इन दो कारणों से हमारे धान के बाली का नुकसान हो रहा है, जिसमें पेनिकल बैक्टीरियल ब्लाइट और पेनिकल माइट्स। तो इसका नियंत्रण कैसे किया जाए दोस्तों? सबसे पहले किसान भाई ध्यान में रखें, अगर इसका प्रादुर्भाव जो है दोस्तों 60 से 70 प्रतिशत तक अगर हमारे खेत में होता है तो इसको कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर आपको 10 से 20 प्रतिशत तक इफेक्टेड बालियाँ अगर आपको दिखाई देती है, उसी समय आपको छिड़काव कर लेना है दोस्तों। इस बीमारी के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों हमें कॉम्बिनेशन बनाना बहुत जरूरी है। इस कॉम्बिनेशन में प्रति 15 लीटर पानी में हमको टोजिक नाम से एक बहुत अच्छी दवा है मार्केट में अवेलेबल, उसको 25 ml डालना है। इथियन करके एक दवा है उसको डालना है 30 ml और वैलिडामाइसिन, ये एंटीबायोटिक का काम करती है, इसको डालना है 30 ml। तो इन तीनों दवाइयों का कॉम्बिनेशन करके हमें छिड़काव कर लेना है दोस्तों, तो इस बीमारी से नियंत्रण हमें काफ़ी हद तक मिल जाएगा। खेती किसानी से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे वीएस एग्रोफार्म इस यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।